तो सुबह सुबह का वक्त और आज वापस से ऐसा लग रहा है कि ठंड अभी भी नहीं गया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंड तो आज भी है। इधर देखो हल्का हल्का फॉग भी है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि ठंड 4-5 दिनों में पूरा पूरा चला जाएगा। ये एरिया बहुत ही गंदा है, तो यहाँ पे अभी झाड़ू लगने वाला है। और अभी बज रहा है सुबह का 7, तो हमेशा की तरह कोई भी नहीं उठा हुआ है, तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने में आज जो है बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि पूरा एरिया होगा और जब तक झाड़ू लगेगा तब तक कोई ना कोई उठ ही जाएगा। तो चलो झाड़ू लगाते हैं पहले। भाई अभी तो इतना देखो वहां से वहां तक लगा है, अभी पूरा बचा हुआ है। और ये मेरे अकेले के बस का नहीं था, इसलिए मैं और काजल हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। देखो पूरे एरिया में झाड़ू लगाने के बाद इतना पत्ता निकला है, ये तो इधर है बाकी का इधर है, तो पूरे एरिया में झाड़ू लग चुका है, लेकिन किसी के उठने का संकेत नहीं मिला अभी तक। भाई जो सुबह सुबह सोनू जी वहाँ पे पहुँच गए, इनको पापा ने भेजा है वहाँ पे बांस काटने के लिए, क्योंकि बांस में झंडा लगाना है। पढ़ा अंदर चलो, अंदर चलो। अच्छा मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पे गिन्नी भी आ चुकी है। ये भी बोलो कि हम दोनों साथ में उठे हैं। हाँ गिन्नी एक्चुअली मेरे साथ में ही उठी थी, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं था इसलिए मैंने बोल दिया कि कोई नहीं उठा हुआ है। अंदर शौचालय में थे तो हम ही आगे खटखटाए थे। बोलो मत। हट वहाँ से, हट हट जा पांडा। अरे ये ना कुछ ढूंढ रहे हैं। शीशा है वहाँ, ढूंढ रहे हैं कुछ, ये कुछ ढूंढ रहे हैं। पीटो इसको, तो पीटो पांडा। हट यहाँ से, हट इसमें कांटा है, हट। चलो 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 चलो, इधर का काम हो गया, अब जा रहे हैं घर के अंदर। यहाँ क्या कर रहे है बे? अंदर चल चल। अरे अंदर चलो पांडा, चलो अंदर चलो। तो अभी गिन्नी यहाँ पे बैंगन तोड़ रही है, मम्मी ने कुछ बोला है शायद करने के लिए, इसलिए कर रही है। अरे यार तुमने बुढ़ा बैंगन तोड़ लिया, वो बड़ा वाला खराब है। नहीं ठीक है। पांडा को हटाओ नहीं तो सब खराब कर देगा। पांडा हट, कुछ नहीं करेगा। छुप रहा है तू, छुप रहा है। हाँ छुप छुप। मम्मी देखिए हो गया, काफी है काफी है। चलो चल एक और तोड़ लेते। चल पांडा चल, निकल निकल। ये क्या है? मेथी। देखो मुझे सब पता है, मेथी नहीं है शायद ये। मेथी है। हाँ मेथी है, मेथी है। अभी इसमें होगा और हमेशा वही, मतलब उधर भी है। और इस देखो ये मेथी होगा, ये हाँ, इसमें मेथी हाँ, होगा। हाँ, हाँ। ये है गोभी, ये बुढ़ा गोभी है, ये खराब हो गया। तो यार इतने देर के इंतजार के बाद लोग सामने आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा नहीं सोएगी, क्योंकि दोबारा तो नहीं सोती है। मैं बोल रहा हूँ बेलज नहीं है, इतनी भी बेलज नहीं है कि दोबारा। यहाँ पे भी गोभी है, यहाँ पे था तो बन गया सब्जी। पूजा का मोबाइल जो है एकदम खराब हो चुका है, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। दिल देखो। हाँ पूजा दिखा दो फोन। आईफोन तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, रख लो। दिल देख लो छोटी बहन का। अरे खाली हाथ में छूने के लिए दिया है। व्हाट्सएप इसका लॉगिन है, पासवर्ड हटा दिए हैं क्योंकि बाबा इसको पासवर्ड भूल रही थी। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ऐसा है क्या? मुझे इसका नहीं पता था। नहीं अच्छी बहन है, अच्छी बहन है, नो डाउट। पता मत तोड़ पूजा दी। बस अभी मंगल अभी तक नहीं उठाया, लेकिन हम तीन लोग सामने दिख रहे हैं आपको, बाकी मंगल नहीं उठा है। आईफोन चलाने में साला। अरे बाप रे बाप। ना अंगूठा को यहाँ ले जाएं तब बैक होगा, और यहाँ लेके जाएं तो होम होगा। एमआई में वही पे हो जाता है सब। साले को हाथ घुमाना नहीं पड़ता है चारों तरफ फोन पे। क्या हुआ? नहीं चाहिए धनिया पत्ता। पूजा दी मत तोड़ो। अरे जब मना करी तो मत तोड़ो ना। पता क्यों तोड़ रही है? नहीं पीसना चाहती। मना क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि चटनी भी हम ही से पिसवाएगी। ओहो, देख रहे हो अपने घर में क्या क्या होता है यार। हर बार घूम फिर के बाद खाने बनाने पे ही चला जाता है। अरे सॉरी यार, सॉरी, अब आज के बाद नहीं बोलेंगे। अब क्या नहीं बोलोगी, तुम रोज बोलती हो, रोज बोलोगी। कहते हैं ना कि लोग खाना बनाने के लिए इतना लड़ते हैं, भाई मेरा दुख आओगे समझोगे तब लगेगा कि गिन्नी सही बोलती है। अरे वाह, सुबह सुबह गिन्नी मैडम के लिए कोई गिफ्ट आया है,
हमारे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है और फिर से अफसोस कि मेरे लिए कुछ नहीं आया है। कहीं मेरे लिए ही तो नहीं है ये, कहीं मेरे लिए ही तो नहीं है। ये क्या चीज है? सूट है, वाव। अरे वाव वाव वाव, कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। मुझे खुद पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। हाँ, किसने भेजा है इसका कंट्रास्ट? जिसने भेजा है उसका नाम तो नहीं होगा, तुम्हारा ही नाम होगा इस पे। थैंक यू जिसने भी भेजा है, प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल पे मैसेज कर देना। सीरियसली थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बहुत पसंद आया, लेकिन एक बात का बुरा लगा कि मेरे लिए कुछ नहीं आया। आपने जैसा पसंद किया उसे बहुत खराब गिननी पसंद करती है, इसलिए आपको मेरी तरफ से थैंक यू, आपने कुछ अच्छा भेजा इसके लिए। गिननी का पसंद बहुत ही खराब है, ऐसा पूजा कह रही है। चल ना आंटी कहीं की छाप, पहली बार लड़की वाला कुछ मिला है तुमको, पकड़। अभी भी मंगल उठाओ, नहीं जा उठा के ले आओ यार। तो जैसा कि कल बताया था कि एक सरप्राइज है, तो अभी बता देते हैं वो सरप्राइज क्या है। कल सुबह 11 बजे हमारे म्यूजिक वाले चैनल पे एक हमारा एल्बम आ रहा है, तो वो मिस मत करना। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, भक्ति गाना है, आप सबको अच्छा लगेगा। यार कहाँ जा के आ रहे हो यार तुम लोग बार बार, कभी कभी वहाँ जा रहे हो, कोई यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे फोन की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? तुम्हारे फोन की जरूरत नहीं है, मेरा फोन चार्ज हो रहा है। वाह भाई वाह, खासियत देखो, मैंने उसको कई लगभग एक डेढ़ महीने से स्विच ऑफ नहीं किया था, तो बेचारे ने बायकॉट कर दिया कि ना मैं चार्ज होऊंगा और ना मैं चलूंगा, सीधे ऑफ हो गया। उसके बाद से चार्ज ही नहीं हो रहा था और अब चार्ज होने लग गया तुम्हारा मोबाइल। वाह, कुछ देर में फिर मतलब अभी खर्चा बच गया, नहीं तो लंबा खर्चा हो जाता। कुछ देर में फिर टाइम बोल देगा, तो हम वही ब्रांड है, दूसरा हम नहीं खरीदेंगे। बाप रे बाप, माफ। आ गया उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गया उसी से आ गया, कैमरा ऑन नहीं था। एक्सपर्ट है आने जाने में, मुझे लगा था नहीं आ पाएगा, जाके लाना पड़ेगा। भेजती हूँ फिर दोबारा, नहीं जाएगा। यहीं से जाएगा, देखना रास्ता इसको पता है। शिवम फुटबॉल जा सकता है उधर, ले 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 ले। मारे यार आमी। अरे मम्मी मार दे ना इसको, गलती से लग गया। पाना हट, हट साले, ले लकड़ी, ले लकड़ी, ले निकाल जा। अरे जा ना उधर, जाओ जाओ उधर। अरे गलती से लग गया रे दाई, कान खा रही है तुम उसका? ना ना, बाप रे बाप, अगर अगर शिवम अंदर में कुछ हुआ होगा ना उसके सिर में। पाना हट यहाँ से, हमी जिंदगी भर इलाज करवाएगा ये अपने पैसों से मेरा। पूरा माल कान लाल कर दिया। अरे बाप रे, मत करना पांडा, मत करो पांडा। अबे मैं तुम्हारी मम्मी को मार दूँगा। मारने में नहीं बन रहा अभी, तुम चेक कर लो ना एक बार। मार दिए तो माथा के अंदर लग गया होगा चोट, ब्लड क्लॉटिंग हो गया ना शिवम, इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा साला। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इतना भी जोर से नहीं लगाया, हल्का ही लगा। एक बार छाती पे मारा था, एक बार गाल पे मारा था, अब इसी के मारने की वजह से तो हमको हार्ट में ये वाला दिक्कत हुआ है, इसी के मारने से चट्टा साला। तुम्हें मारने से जो हमको दिक्कत हो रहा है ठोकर से, रिकॉर्ड कर लिया पूरा, इतना दूर लगा है, जानबूझ नहीं मारा है, माथा पे एम करके मारा है ताकि हम पागल हो जाए, मेरा सारा ना, पैसा ले लेंगे। एम करके नहीं मारा, मैं इसको मार रहा था कसम से, देखो मैं इसके पहले भी उसी को मार रहा था। हम तो कुछ तो देखे हैं, मारा है सीओ तो मुंडी ऐसे हो गया है। हाँ, ऐसे हुआ है, दिखा देखो, जाना नहीं लगा ना। तो अपने आप को बचा रहे थे और तू जो हमको मारा उसका। हां मत मार यार, ठोकर से बहुत ज्यादा लग रहा है। तुम बहुत हरामी है यार, तू कब सुधरेगा रे कुत्ते? मैं कसम से यार, जानबूझ के नहीं मार रहे भाई, बहुत ज्यादा जोर से लग गया इसको, पूरा ऐसे हो गया। किसी दिन रुकना, हम भी चक्कू सब्जी काटने की जगह ना पकड़ के तुम्हारा उंगली ऐसे ऐसे करेंगे, तब देखना।
बापरे बाप, ये भगवान। समझ में आ रहा है कुछ? तुम मजाक है साला, तुम फुटबॉल से मर गया था एक लड़का इधर। जान मुझे नहीं मारा यार, तुम ही नु कर रही थी, तुमको दौड़ के भाग जाना चाहिए था ना, मैंने मारा था तब। इतना दूर पूरा सुन हो गया मेरा माथा, लो भुगतना अब। नहीं, मैं एक्टिंग करके फंसा रही है मुझे। आराम ही, तुम्हारा कसम खा के बोल रहे रे। तब तो और फंसा रही है, मेरा कसम खा रही है, तब तो पूरा पूरा फंसा रही है। चेक कर, चोट जरा सा भी अंदर में लगा होगा ना, तुम समझ नहीं रहो कि कितना रिस्की हो जाएगा, लाइफ इसका खत्म हो जाएगा। अरे बार बार तुमको डरा रही है यार, ये लाइफ लाइफ बोल रही है, दो तीन बार बोल दिया, बड़ा बोल रही हो। हमको मारे थे छाती में, क्या हुआ साले? कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ, रोज मरते हैं हम। यार मैंने जान बूझ के नहीं मारा है, और ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन जान बूझ के नहीं मारा मैंने। दिखाओ जान मारे हो, कह रही है जान बूझ के नहीं मारा है, लेकिन कसम खा के बोल रहा हूँ। किसका कसम खा के बोलूं तुमको, जान बूझ के नहीं मारा है। हमें जब मारता ही है तो थोड़ा मारने में। बाप रे बाप, बहुत तेज मार दिया। जब हमको इतना नॉर्मली, अगर वो फुटबॉल है साला, पत्थर जैसा तो है, इतना हार्ड बॉल है, पूरा इतना दुखने लगा मेरा, लग रहा है जैसे कोई पत्थर से मारा हो। तो अपने टांग का भूल गई, इसको तुम मारे तो। अरे बाप रे, तुम्हारे मेरे माथा फोड़ दिया रे तुमने, बहुत तगड़ा चोट लग गया। ईंटा और पटक देंगे सिर पे, अभी तुम्हारे हम अच्छे से फूट जाए चट्टा, नहीं तो। बाप रे बाप, बहुत तगड़ा चोट लग गया। गए कहां कुछ कुछ भुगते तो? नहीं यार, एक ही है बस, मत करो कुछ भी, मत करो पूजा। इस फुटबॉल कारण पूरा पेड़ पौधा सब तुम खत्म कर चुके हो, नष्ट कर दिए हो। मैंने पेड़ पौधों में नहीं मारा है, कहीं भी नहीं मारा है। आदमी को भी खत्म कर दोगे तुम, मार मार। नहीं, गलत बात भाई, गिन्नी को बहुत चोट लग गया है, मैं माफी मांगता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि बहुत जोर से लग गया है उसको। यार पांडा, पांडा मुझे काट रहा था, क्योंकि इसके मम्मी को मैंने मार दिया था ना, इसलिए बहुत काट रहा था मुझे। माफी तुमको तो कोई नहीं देगा, कुत्ते कहेंगे, जानबूझ के मारते हो तुम। नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं मारा। सारा बचपन से अभी तक तुमने नहीं छोड़ा है फुटबॉल से मारने वाला। पब्लिक मुझे हेट मत देना यार, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, जानबूझ के नहीं मारा है, जानबूझ के नहीं मारा है मैंने, और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। अभी वीडियो बंद करके मैंने वीडियो पर चेक किया, बहुत जोर से मार दिया मैंने यार। वो तो काजल ने वीडियो बना लिया, नहीं तो वीडियो तो नहीं बनता, लेकिन बहुत जोर से मार दिया। जान मुझके डराने के लिए मैंने किया, जान मुझके डराने के लिए भाई, जान अब थोड़ी ना करूंगा, मंगल की तरह नहीं हूं मैं, एक बार गलती के बाद रिपीट नहीं करता। निकाल देंगे, सच्ची बता रहे हैं, हम चुप हैं इसलिए। साला कैमरा लेकर घूम जाता है तुम, खराबी बताते हैं आज। हम पकड़ नहीं पाओगी ये तो तुम जान जाओ। अरे बाप रे, भाई मेरे जेब में एक मोबाइल है, मैं अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, ना ढंग से कैमरा पकड़ पा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो मेरा मोबाइल यहाँ पर रख दिया, अब आ जाओ तुम, अब आप पकड़ के दिखा दो, आओ आ जाओ आ जाओ। मंगल आ इधर, उल्टा लटका के मारेंगे आज तुमको, हम देख मारो। सारा लिमिट सारा तुम क्रॉस कर दे रहा है हमें। छी, नाली के पानी से मारोगी? अरे अरे गिन्नी बचा दे यार, हम इतना भी क्या कर दिए। अरे मत कर ना, अम्मा नहीं बचाएंगे। मंगल भी आ गया यार, मत पकड़ो, इतना भी कुछ मैंने गुनाह नहीं किया है। लेकर कैमरा ले, क्या राइट साइड उसका खत्म कर दिया साला। मत मार, बाप रे, अरे मैंने तुम कैमरा दिया तो उसका मतलब मुझे क्यों मार रही हो? तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम यहाँ से इसी छड़ी से मत, और तुमको इससे छुट्टी करें, जब छोड़ना बचाने आए। दिन भर में 20 बार कुरियर वाले भैया आते हैं, देखो इसका फिर आ गए, ऑनलाइन इतना सामान मंगवाती है, बाप रे बाप, ये लड़की बच गया, मैं बच गया, चलो देख।
हाँ सच में मार दिया, देखना वीडियो। मंगल को पता नहीं है कि मैंने मार दिया, हाँ सच में मार दिया, वीडियो देखना ना। अब भाई थैंक गॉड कि इसने वीडियो बना लिया। इसके हाथ में कैमरा दिया था मैंने, इसके काजल के हाथ में कैमरा दिया था मैंने और ये पूरा बना लिया। गला वाला टूटा कि नहीं? अरे पागल है क्या, बहुत जोर से लग गया। तुम नहीं चेक करें? दिखा दिखा। चेक कराओ तुम। कान कान कान, इस साइड वाला कान। कान? हाँ। पूरा दर्द हो रहा है। पूरा दर्द हो रहा है कह रही है। मैं कुछ नहीं होगा। बलदेव जी देख रहे हैं। पागल मत कर, ये सब मत कर, ये सब मत कर यार। मजबूती है गले में। मजबूती क्या है, मजाक थोड़ी। नहीं है। अरे मजाक नहीं चल रहा है भाई, सच में लगा है उसको। अरे तो लगने से फुटबॉल लगने से चोट थोड़ी जाएगा। देखोगे ना बॉल का स्पीड, वीडियो दिखाता हूँ रुको बंद करके। कितना भी स्पीड में मार दो बॉल, बॉल लगने से टूटेगा नहीं, मतलब वो नहीं होगा, लगा फ्लेक्सिबल होता है ना गला। जो मंगल ने जो बोला किसी को समझ में नहीं आया होगा। मैंने अभी अभी मंगल को वीडियो दिखाया तो मंगल बोल रहा है कि बहुत तगड़ा मारा है। तुम जाओ अपना सामान लो यार, पत्थर सिर चपटा कर देगा तुम्हारा। तुम जाओ अपना सामान लो, मौज काटो। एक दिन में 20 बार इसका कुरियर ही आते रहता है। दिखाया ना वीडियो, देखो ना वीडियो, लगा है ना तगड़ा। मस्त है, मस्त है। पूजा को मारना चाहिए था, तुम गलती की। मैं मार इसी को रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में देखना, इसी को मारा मैंने भाई। जब पूजा के गलती से भी बॉडी किसी पार्ट पे अगर तुम थोड़ा सा भी झटका दे दिए तो भाई जिंदगी भर गाली देगी। टूट गया, अरे फ्रैक्चर तो जरूर हो गया है। हाँ पूरा पूरा ही जबरदस्त एक्टिंग करती है लड़की। भाई चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ा दिया मैंने। तो अब हम लोग आ चुके हैं गिन्नी के सिर पे मारने के बाद खाना खाने के लिए। आज का खाना बहुत ही टेस्टी है और ये गिन्नी ने बनाया है स्वयं अपने हाथों से। चलो खाते हैं। आ जाओ। अभी यहाँ पे काजल नहीं है तो उसका वेट करना पड़ेगा, वो आएगा तब खाएंगे। तो उस जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था इसलिए हम लोगों ने जगह चेंज कर दिया। काजल भी आ चुका है अब तो, अब खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो खाना खाने के बाद अब सीधा चाय की बारी है। और अब जो है थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है, ठंड बिल्कुल ही जा चुका है, अब ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो अभी बाहर कोई नहीं आया हुआ है, इंतजार करते हैं लोगों के बाहर आने का। वैसे मैंने जब से गिन्नी को मारा है गिन्नी ज़्यादा बाहर दिख नहीं रही है, गिन्नी अंदर ही है। तो अभी आने दो बाहर तो पूछते हैं कि उसका कान असर कैसा है। तो यहाँ पे है मंगल, यहाँ पे है काजल और यहाँ पे है पेशेंट। तुम्हारा कान अब कैसा है, ठीक है? अब एक्टिंग कर रही है कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन इसको सुनाई सब दे रहा है। कैसा है, ठीक है अब कान? मतलब ज़्यादा नहीं लगा है ना? लगा था, वायरिंग टूट गया हुआ कान का। कान का वायरिंग नहीं, टूटते टूटते रह गया है। वैसे भी मैं सोल्डिंग बहुत बढ़िया करता हूँ। हाँ तो कुछ गड़बड़ हो तो मंगल को संपर्क करना डायरेक्टली, किसी को बिना बताए, ठीक? पहले सब्सक्राइबर कराएं फिर हम कराएंगे। चलो तो अब धीरे धीरे लोग जो है बाहर आ रहे हैं, पूजा भी अब जल्दी आने वाली है। बाप रे बाप, कान में एक्टिंग कर रही है, इसको कुछ नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे, ये बस एक्टिंग कर रही है। पब्लिक आपको क्या लगता है? बाल पकड़ लिया, ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है। इतना तगड़ा झुला देंगे ना कि डर के मारे हालत खराब हो जाएगा। मंगल रुक, मंगल बुला रहे हूँ। तो फूल लगने का काम कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है। आज जो है छोटा छोटा वाला फूल का पेड़ लग रहा है यहाँ पे और कल बड़ा बड़ा वाला लगा था। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और अब जो है सामने पूजा भी मुझे नजर आ रही है और यहाँ पे गिन्नी मैडम थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। पता नहीं कमजोर एक्चुअली में है, कान में प्रॉब्लम एक्चुअली में है या एक्टिंग है पूजा की तरह। चप्पल देख रहे हो ना, सुझा देंगे अभी लाल। नहीं देख रहे हैं हम, देख रहे हैं, देख रहे हैं। क्या सुझाओगी पूजा जी लाल करके चारों तरफ? अगर इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो तुम अपना दिन गिन लेना, बहुत बीमार करके डाल दियो कान में, उसके पता नहीं क्या बैठे हैं यहाँ सामने। मंगल डॉक्टर बैठा है जो एक बार इलाज कर देगा तो दोबारा इलाज कराने लायक आएगा। मैं ऐसा इलाज करूंगा कि एक बार में पूरा साफ होगा। ऐसा कि इसके कान में हमको लगता है कि अंदर का फट गया है। कान या फिर दर्द? पूजा दी ये कान है, हमको पता है ये वाला नहीं वो वाला। देख सकते हो पब्लिक पूजा कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की है। ये वाला भी चेक कर रहे थे सुबह में ही बोल दिए उसको हम, ये कान है। ए भगवान, बाप रे बाप। पूजा भाई तुम बहुत बड़ी नमूनी हो, सच में बहुत बड़ी नमूनी हो यार। रुको बढ़िया से फोटो खींच के तुमको देंगे हम अपने ब्लॉग चैनल पे डालना, ठीक है ना? तुम्हारे कान का क्या हाल किया है अंदर में? क्या कहा, ऐसा क्या हाल हो गया अंदर में? कुछ नहीं हुआ, बस लाल हुआ है चोट की वजह से। कुछ हुआ ही नहीं है, लाल नहीं हुआ है, जो कान का दीवार होता है ना वैसा सफेद कुछ निकल के ऐसे है, लगता है फट उट गया। बिचारी को सुनाई नहीं दे रहा है। ये सुनाई दे रहा है अच्छे से यार, ऐसे क्यों बोल रही है? अभी आपका है यार, कितना पैसा लगता है कान का मशीन लगवाने में?
मशीन नहीं लगता है ऐसा ऐसा को। जब अंदर का सब कुछ डैमेज हो जाएगा तो मशीन क्या लगेगा, मशीन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। टेंशन मत लो यार, छेद बंद होगा तो हम ड्रिल करके सब ठीक कर देंगे। सुनो शिवम, इधर लेके आओ कैमरा, कुछ कहना है पब्लिक को। क्या कहना है, रुको रुको बोलो। भाई, अगर मेरे भाई बहन एक साल के अंदर अंदर आप लोग के पास मेरे शादी का रिश्ता लेके आए तो मत अपनाना, क्योंकि ये लोग थमा देंगे मुझे किसी और को, अगर बहिरा हो गए तो मारेंगे ना। गिने ने जो बोला वो तो मुझे समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया? अगर हम बहरे होने लगे ना तो तुम लोग जल्दी जल्दी निपटा दोगे, इसलिए कह रहे हैं। अरे रे रे रे, पहले नहीं, अब तुम राइट साइड से देखना, थोड़ा ऐसे 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 होना चालू हो जाओगी अगर कुछ हुआ होगा तो। लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहना मतलब कि कुछ भी डैमेज होता है तो सब कुछ डैमेज होने लगता है क्या? तो धीरे धीरे सब डैमेज हो जाएगा। कार डैमेज होगा ना तो इंसान का गला ऐसे झुक जाएगा। सुबह से ऐसे देख रही है तुमको लग रहा है कि असर कहीं आंख पे तो नहीं हो गया? कह रही है आंख का नस दुख रहा है और आंख एक लग रहा है कि छोटा होता जा रहा है। यार मुझे अभी भी डर लग रहा है सोच के, मैंने जितना तेज मारा था। हुआ है कुछ? सब कांड तुम लोग कैमरा ऑन करके क्यों करते हो? लगता है कि जानबूझ के करता है शिवम, कैमरा ऑन करवा के साला पर अपने ब्लॉग के चक्कर में। ए नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो यार, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने ना बस काजल के हाथ में कैमरा दिया था क्योंकि मेरा प्लान था फुटबॉल खेलने का। हमसे रॉकेट दगवा दिया था उस दिन, याद है ना? थोड़ा ठंडा पर जाने दो, कार में लगा था, यही बोला था कि मार मार रॉकेट मार एकदम। क्या ठीक हो जाने दो, उसके बाद कसार कह के गोबर का लड्डू खिलाएंगे। हे भगवान, ये प्रॉपर टिपिकल बिहारी वाला चीज बता रही है जो पब्लिक को नहीं पता होगा। यार कि जितने कह रही है कि इतना बड़ा वाला एक लड्डू बनता है हमारे यहाँ जो शादियों में बनता है अक्सर, तो वही वाला लड्डू बोल के शिवम को गोबर का लड्डू खिलाएंगे और उसको फोड़ने के लिए हैमर का जरूरत पड़ता है। बहुत ज्यादा कड़क होता है वो, बहुत ज्यादा कड़क होता है। ना ना ना, तीसी आंवले का जो आजकल लड्डू चलता है ना, काला काला गोबर के, वो वाला खिलाओगी? वही वाला। अब कैसे खिलाओगी, अब तो बता दिया मुझे, तीसी का लड्डू बोल के। तुम चिंता मत करो, रात को सोते हो तो ऐसे सोते हो, कुछ नहीं होगा। भाई पब्लिक, मुझे प्लीज गाली मत देना, और गिनी को शायद बुखार हो रहा है और कारण मेरा फुटबॉल नहीं है, वो अपने आप बीमार पड़ रही है। बुखार हो गया? अरे हम है ना बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं बुखार नहीं हुआ है, पूजा झूठ बोल रही है। हमारे होते हुए किसी को कुछ हुआ है बताओ? तुम्हारे होने से ही सबको कुछ भी हुआ है, समझे? इन दोनों के कारण हमारी जिंदगी नरक हो गई है इस घर में। और देख रही हो कितना शान से बोल रहा है, हमारे होते हुए। ये तुम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है, हम रोज 15 मिनट निकाल के एडिटिंग सीखेंगे ताकि हम तुम लोगों का हरकत बना करके ब्लॉग में दिखा सके। अरे वाह, अरे वाह, ट्रेनिंग चल रहा है भाई तुम दोनों का, तुम लोगों को मजबूत बना रहे हैं हम लोग। इन लड़कियों को बहुत इसके पास से गुजरने में दिक्कत होता है, दहशत होता है, कभी ये लड़का चक्कू चलाएगा, कभी ये छीलन उठा के मार देगा, कभी छनौटा मारेगा। और मंगल, और मंगल के बगल में उसे गुजरना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि मंगल से बदबू आता है। खतरा रहता है हर समय, दहशत में रहता है मन। इधर आ गया शिवम, इधर आओ, और कुछ नहीं तो मार के निकल। तुम्हारे पास तो इतना कुछ जो दिक्कत था वो पूजा दी बता दी, मंगल के पास बदबू, अब पूजा दी के पास गुजरो तो दिमाग खाने लग जाती है। बाप रे, एक से बढ़ के एक नमूना आदमी है यार, अपने घर में सब एक से बढ़ के एक पीस है। मेरे पास से गुजरो तो मैं दुखड़ा होने लग जाती हूँ। मम्मी के पास अगर गुजर गया तो मम्मी कमी निकालना चालू कर देती है, और पापा भी यही हाल है, अलग अलग नमूना आदमी है हमारे घर पे सब लोग, कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है। बात यह है कि हम लोग तुम दोनों को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि तुमको कहीं भी कुछ दिक्कत ना हो, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, समझ रही हो? कोई उठा के तुमको छत से फेंक दे तो ऐसे पैर झाड़ के निकल जाओ, इतना स्ट्रांग। सारा स्ट्रांग बनाने का तरीका सच है, ये जबरदस्त बोला। रामियों ने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत कुत्ते भाई है मेरे, मतलब इतना ताकत हो तुम लोगों के बॉडी इतना मजबूत हो जाए कि देखो ये सब बात ही नहीं है। अभी तुम हमको मारो, एक ठोकर मारो, उसके बाद हम उधर से अब देखो अभी थोड़ी देर बाद रॉकेट लाकर मार देंगे तुम्हारे ऊपर, और तुमको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमको कुछ नहीं होगा। ए भाई, दिवाली कब आएगा? दिवाली बोलो ना, हम चालू कर देते हैं कली से, कली चालू कर देते हैं दिवाली। होली आ रहा है, पेट्रोल क्या कहती है पब्लिक, कल से दिवाली चालू कर दें? होली आ रहा है, हम पेट्रोल माचिस मार देते हैं। पागल हो क्या, आइडिया बाहर क्यों ला दिए यार? होली वाला ना, चलो उसके बाद तुम्हारा घर, पलंग, चौकी, सब पेट्रोल हम सब जगह छिड़कते चले। अरे नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा पागल। चलो इधर कुछ कुछ बात चल रहा है, तो मैं आ गया यहाँ पे तो बात लंबा खिंच गया। तो क्या आप लोग दिवाली वापस से चाहते हो कि कल से ही दिवाली मनने लगे घर पे? तो थोड़ी देर बाद वापस से मिलते हैं, ठीक है? तो मंगल जो है अब फुटबॉल चालू कर रहा है, देखना मंगल तुम्हारे राइट और लेफ्ट दोनों में खतरा है, ठीक है?
यही जो सेम हरकत है पूजा के साथ करके दिखाओ तो मैं तुमको मान जाऊंगा। पूजा दी देख रहा हूं तुम्हारे पास से निकलेगा एकदम। अपने मोबाइल से मार के इसका टकला फोड़ दो तो, वैसे भी बहुत हेवी मोबाइल है। मंगल कांड कर दिया, अब चप्पल पूजा दीदी का मंगल को धोना पड़ेगा। हाँ इस खाली पैर उतर गई मिट्टी में, हे भगवान अब तो है अनर्थ हो गया। पैर झाड़ो पहले अपने हाथों से फिर करना कुछ। तो झाड़ देते हैं, इसमें क्या है, झाड़ो पैर उठा ऊपर। अरे बाप रे सच में मिट्टी निकला है एक्चुअली में। खर खर हो रहा है पैर इसका, खर खरा पैर। मंगल इससे मजाक नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अच्छा गिनी तुमको लेफ्ट में लगा था, कोई बात नहीं लग गया क्या? ओयो चाकू घुस गया हाथ में। हाँ फेंकने से पहले ध्यान नहीं दी क्या फेंकी हो? ठीक तो फेंके। ए साले फुटबॉल ले। हो गया टेढ़ा। लो लो वैसे भी इसमें जंग लगा हुआ है। लो खैर है कि पुराना वाला है, नया वाला होता तो बहुत दिक्कत होता। भाई मेरा फुटबॉल खराब हो जाएगा यार। लाओ पहले इसका हम हवा निकाल दी। पूजा नहीं ये मेरा फुटबॉल है। पागल हो क्या? नया पूरा हवा कैसे निकलेगा? जिंदा फुटबॉल में तो नहीं। अरे पांडा ऑलरेडी देखो दांत दांत चुका काट चुका है ऑलरेडी, कमजोर हो गया ये। नहीं पूजा मत कर, वो मेरा फुटबॉल है। बक्से में तिजोरी में ताला बंद करके लो। तुम रख दो मंगल। अरे मंगल फाड़ देगी। ओए साले कहां जा? पीछे पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मारेंगे पीछे। उधर देख, आगे देख। नहीं हो गया इन लोगों का खेल। भाई गिन्नी को मत मारो यार, क्योंकि सुबह में ये खा चुकी है, बहुत बढ़िया खाई है। अब मत खिलाओ, मत कर मंगल। फुटबॉल कुर्सी टूट जाएगा। हो गया तुम्हारा, हम प्राण निकाल लेंगे, तुम देख लेना। कुर्सी टूट भी जाएगा, मत करो कुछ। मेरा चोट लग चुका है हद से ज्यादा। जो तुमको मजबूत बनाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है तुमको। ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बहुत ट्रेनिंग निकल रहा है। एकदम ताजा पानी ले आके फिर तुम्हारे देखो पानी एकदम, तुम मस्त पानी से नहा लोगे। येलो कलर का है एकदम, दे दो। मत कर मत कर मंगल, मत कर भाई, मत कर यार, मत कर। लग गया ना मंगल, रहने दो। बहुत ज्यादा जोर से लगा है सुबह ही, मुझे वो डर सा लग रहा है। थोड़ी यार, हम इतना पागल थोड़ी ना है। नहीं यार ये मार देगा, बिल्कुल पागल है। पागल वागल नहीं है हम। अरे रे पागल हो क्या मंगल यार, वो गिर जाते हैं। अरे वो हंस रहे हैं अचानक से। भाई वो गैया बहुत डेंजर है, इसको मारती है। नहीं नहीं इधर नहीं आ रही है। अभी तुम उधर कैसे चला गया फुटबॉल यार? हैं उधर कैसे चला गया फुटबॉल? फुटबॉल तो हम फेंके थे। हम फेंके थे कि गैया और तेज दौड़ेगी, लेकिन दौड़े नहीं की गैया दौड़ेगी, उनको लग जाता छोटा भी, वो गिर जाते। डूम डूम एक गाय को भाई मार दी। वही वही वाली जो गाय है जो दूसरे गाय को मार रही थी, वो वही वाली गाय है। संभल के यार, जब चपेट में लेती उस दिन और मजा आता यार। स्कूटी वाले दिन नहीं, केला पापा ने ऑलरेडी तोड़ लिया है। अरे मंगल क्या कर रहे हो यार, टूट गया फूल, टूट गया। फूल टूट गया, देखो ये गेंदे का फूल नीचे गिर रहा है ना। ये पहले से टूटा हुआ है, ये और ये नलायक, ये अभी टूटा है। अगर वीडियो में आया होगा तो पता नहीं, लेकिन अभी टूटा है ये, पहले से है। गुलाब के कांटा वाला खेल से मारेंगे तुम्हें। अरे वाह, ये वही वाला जो सुबह में तुम नाली में डूबो के मुझे मार रही थी। नाली वाला पार्ट से तुम उठाएंगे क्या? मत 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 करो यार, मत करो मेरे फुटबॉल को छूना मत। अब नहीं कांड करो, अपनी बात खत्म कर दो, ये कैसे संभव है? बात खत्म। एक बार में समझ नहीं आ रहा तुमको? तुमको कुछ किए हैं, वो क्यों मारी है वो पीछे से? और यहाँ पे देखो ये पूरा छिल गया। तू मुझसे पहले मारा था ना? जा रहे हैं टिटनेस का सुई लेना पड़ेगा हमको, ये साला छिल गया, छिला जंग खाया लोहा से मारती। देखो बाप रे बाप, काहे पंगा ले रही हो? ले खुल गया, खुल गया। पूजा 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 गेट बंद करो, गेट बंद करो।
गाड़ी से खेल मत करो पूजा, गाड़ी से खेल मत करो। पापा भी मत बंद करना, चाहो पापा देख लेंगे। तो वैसे भी पूजा पापा पापा पूजा पापा पापा हट जाओ, हट जाओ पूजा, हट जाओ, पापा हैं, पापा यहीं पे हैं। मंगल ने लॉक कर लिया पापा के अब आड़ में आके। डंडा रखो, पता चलना चाहिए ना कि क्या किया है। बगल से पापा जा रहे हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। चले गए, चले गए। रहने दो, रहने दो, वो नहीं निकलेगा। लॉक कर दिया पूजा, रहने दो यार, बहुत हो गया। दूसरा चाबी है, दूसरा चाबी है, लेकिन पापा के रूम में रखा है वो, शायद लॉक है, चाबी रखा हुआ है छुपा के। छोड़ दो, रहने दो, हार मान जाओ। परमानेंट इलाज करेंगे, रुक ना, इसी गली में बंद कर देते तुमको 24 घंटे के लिए। हम कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। दरवाजा तो फेरी दो, चिपका देंगे हम, बाद में दरवाजा भले तोड़ना पड़े। खोल दिया गाड़ी, मैं अनलॉक के टाइम भी वो लॉक हो जाता है, लॉक बटन दबाने से। छोड़ पूजा, रहने दो, माफ कर दो इसको, चलो अमरूद खा लो, गुस्सा शांत हो जाएगा, खा लो। क्या देख रही हो कि कैसे अनलॉक करेगा, तुम जाके पकड़ोगी। अये भगवान, अरे भाई पापा आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, मत करो, हटाओ यार, पूजा मत करो, मत करा करो, समझी ना। हेलो, हो गया ना तुम लोग, कुछ नहीं हुआ है, मैंने देखा कुछ नहीं हुआ, वो रबर पे अटका हुआ था। बाहर अटका क्यों, रबर पटका हुआ, पेंट छूट गया वहाँ पे। कहाँ पेंट छूट गया, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये क्या लगा हुआ है, देखो तो ये अभी अभी थोड़ा सा पहले, थोड़ा देर पहले तक नहीं था ये, यहाँ लगा था लकड़ी, पहली बात वहाँ लगा था लकड़ी। बाहर आइए, बाहर आइए, आइए, बहाना मत बनाइए, आइए, हटाओ तुम। अरे बाप रे, रबर ढीला था इसका, कुछ एक बार हटना पूजा, बस चेक कर लें दो गाड़ी, बंद हो जाएगा वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, पूजा रहने दो, पूजा रहने दो यार, मामला ज्यादा खिंच जाएगा, ये पापा ने अगर ये वीडियो देख लिया तो और गड़बड़ा जाएगा। हटो 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 हटो, तो कुछ भी रगड़ा है वो बता देंगे। नहीं कुछ नहीं हुआ है, छोटा अभी थोड़ा और चेक कर लो, चेक तो करेंगे ना, क्या तुम मार थोड़ी ना दोगे, तुम तो थोड़ी ना कुछ हुआ है, हटो, बकवास मत करो, नहीं तो हम कुछ अलग ही कर देंगे। मार देगा चटा चट चट, हेलो अपना काम कर लेते हैं। अरे इसको कुछ हनुमान जी चिपकाना है, रहने दो, रहने दो, कर रही हो खाली, रहने दो पूजा, नहीं नहीं सच में मैंने उसको फेविक्विक दिया, पापा ने बोला अंदर हनुमान जी है ना, वो टूट गया है तो वो चिपकाना है। चलो अमरूद खाते हैं अभी, आ जाओ आ जाओ। चलो अब हम लोग आ चुके हैं अमरूद खाने के लिए, उम्मीद करते हैं कि पेड़ के ऊपर अमरूद उपलब्ध मिलेगा। अमरूद जो है यहाँ पे, यहाँ भी है। पूजा ने अमरूद तोड़ लिया और खाने भी लग गई और मैंने नोटिस भी नहीं किया। वाह बहुत अच्छा, देखो मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है मम्मी, क्या कर, इधर आओ, मूली निकाल रही है। ये जो ऐसे झुक गया है ना, अब इस पे मिट्टी रख दिया, अब यहाँ से एक अलग पेड़ तैयार हो जाएगा, ऐसा जड़ निकल जाएगा ना। चलो खाओ अमरूद खाओ। तो अभी अभी आपने देखा कि क्या हुआ, और मुझे प्लीज गाली मत देना कमेंट में यार, मैंने जब इसके सिर पे मार दिया था, जानबूझ के नहीं मारा मैंने। तो अभी जो है शाम होने वाला है, तो ये वाला वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। अगर अभी तक ये मजाक चल रहा है यहाँ पे, जानबूझ के मारे थे क्या हम, इसने अभी अमरूद फेंक के मार दिया मुझे। मैं ऐसे फेंक रही थी जैसे तुमने सोचो कि एक छोटा सा अमरूद। हाँ तो फिर मैंने आराम से मारा था, जिस दिन जोर से मारूंगा ना सोचना कुछ देखने लायक नहीं रहोगी। ठीक है, बात सही बोल रहा है, सीरियसली मेरा एक बार जानते नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, अच्छे से जान जाऊंगी। ऐसा कोई तो ठीक है, ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा जोर से लग गया मुझे, तो आपने मोटा नस दिख रहा है, ये शिवम की कृपा से है ये वाला। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
तो मैंने आपको अभी पहले भी बोला था कि कल सुबह 11 बजे हमारे म्यूजिक वाले चैनल पे एक हमारा नया एल्बम आने वाला है, भक्ति एल्बम, तो वो मिस मत करना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।